कर लेंगे। अभी अगर जैसे दालबंदी में मेरे साहब, अब दालबंदी में अगर आप तफ्ता में सही मानों में ट्रेड दे दे तो मैं समझता हूँ कि हम जायज तौर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इंतहाई कद्र करता हूं अपने सियासी वर्कर नसरुल्लाह ज़ेर की, जिन्होंने अपनी तमाम नौजवानी जो है ना एज एक्टिविस्ट काम किया है, और उसने जो सजेशन दिए हैं वो हमने नोट किए हैं। सरदार मुस्तफा खान साहब के भी तमाम तजावीजें हमने नोट की हैं। मोहतरम नवाब अयाज जोगी जी साहब ने पुलिस और लेवीज के बारे में और हाईवे पुलिस के बारे में किए, मैं यकीन समझता हूँ कि आज अगर हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे जाफर खान ने कहा, कुछ और दोस्तों ने, ये पुलिस और लेवीज को खराब करने वाले लोग हम हैं। अगर हम आज भी लेवीज को कहें कि आप हमारे कंट्रोल से निकल के सरकार के कंट्रोल में जाएं, रियासत के कंट्रोल में जाएं, शायद बहुत सी चीजें वो खुद कर सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा। अगर लेवीज और बीसी और लेवीज उसमें पुलिस को हमने रिफॉर्म नहीं की तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए मुश्किलात ज्यादा होंगे। मुफ्ती गुलाबुद्दीन साहब ने जो पीएसडीपी के बारे में कहा, हम उसकी तनकीद को कद की निगाहों से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीएसडीपी में जहां कहीं आप समझते हैं कि कोई मुश्किल है उसको हम आपके साथ बैठ के भी वो कर लेंगे। सरदार असलम बिजोजियो साहब ने जो अवाम अमूमी मसाइल के बारे में खासतौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टरों की के लिए जो तजावीजें दी, या किसको की लोड शेडिंग और सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स के टूल्स के बारे में वो की, उनकी हमने तफसीली नोट्स लिए हैं। इंशाल्लाह हम उस पर जो है ना, आज ही गुल मोहम्मद दंबर साहब ने ज्यारत के हवाले से बात की, मैं आज वो भी इधर नहीं है, तो हमारे यहाँ तुर्बत में शायरी बहुत चलता है, तो शायर लोग आपको कुर्सी देते हैं, चटाई पे बैठते हैं, चाय भी देते हैं, जो कुछ तुम्हारे कहते हैं कि मैं